हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ साइलेंट में। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एक एक करके हम सारे टर्म को सीखेंगे। तो पहला यहाँ पे है लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा क्या होती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके रखा है, इस फिगर में आप देख सकते हैं एक लड़का जो है टावर की तरफ देख रहा है और ये टावर के टॉप यानी शिखर को देख रहा है। तो इसकी आंखों से जो लाइन गई है टावर के टॉप शिखर की ओर, यही लाइन हमारी जो है लाइन ऑफ साइट होती है, यानी ये दृष्टि रेखा होती है। फिर यहाँ पे दूसरे सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लड़का है ऊपर में है किसी बिल्डिंग के और वो नीचे एक फुटबॉल को देख रहा है। तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंखों से जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लाइन जाती है उसे ही हमें लाइन ऑफ साइट कहते हैं, नजर की रेखा यानी दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दूसरा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे फिर से ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो लड़का है, इसकी आंखों से एक लाइन और गई है, लेकिन ये जो लाइन है ये ग्राउंड के पैरेलल है यानी कि समानांतर, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसके आंखों से एक और लाइन गई है लेकिन ये ग्राउंड के पैरेलल है यानी समांतर है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है जो कि ग्राउंड के हमेशा पैरेलल होता है। तीसरा तो ग्राउंड, तो ग्राउंड तो आप समझ ही रहे हैं, भूमि यानी जमीन। उसके बाद अब हमें इम्पोर्टेंट एंगल को जानना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कब बनती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लड़का जो है ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है और यहाँ पे उसकी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल गई जो कि ग्राउंड के पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनती है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर को ऊपर की तरफ अपनी नजरों को रखना होगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगी। और एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बनती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनी है एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर के द्वारा नजरे नीचे की तरफ रखी गई है, यानी नजरों को झुकाकर किसी ऑब्जेक्ट को देखा गया है, इसीलिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। तो इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। तो आपको बस इतनी सी बातें याद रखनी है कि जब भी किसी ऑब्जर्वर के द्वारा नजरें ऊपर की तरफ रखी जाती है और किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनती है उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यानी कि उन्नयन कोण कहते हैं। और जब भी किसी ऑब्जर्वर के द्वारा नजरें नीचे करके नीचे की तरफ देखी जाती है, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनती है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इसके साथ ही हमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म को याद रखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल और ये ग्राउंड आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, और ये यहाँ पे एक लाइन आई है लाइन ऑफ साइट, ये हमारी जो है ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी। तो ये हमें पता है कि जब भी दो पैरेलल के बीच एक उसका ट्रांसवर्सल होता है, तिर्यक रेखा होती है, तो जेड शेप में जो एंगल बनते हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रही है, तो जेड शेप में जो एंगल बनते हैं उसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर कहते हैं, यानी कि एकांतर अंतः कोण कहते हैं, और इनका पेयर आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही होगी, और ये थीटा हमें इस ट्रायंगल में प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो इसे ये टर्म भी बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज हम करने वाले हैं, इसीलिए इसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो उम्मीद है ये सारे टर्म आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।